अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी भिंडियाँ। और आज हमने जो है अपना ये इंडक्शन हॉब जो है हमने रखा हुआ है अपने गार्डन में। तो आज आप देखेंगे हम गार्डन में कुकिंग कर रहे हैं। ये आप सारे लगाओ अपने पेज पे बिहाइंड द सीन करके, सारी वीडियो बिहाइंड द सीन अगर आप लगाओ ना अपने पेज पे, बड़ा अच्छा लगेगा। वो आता था ना बिग बॉस, तो उसका एक अलग से किसी ने चैनल बनाया हुआ था बिहाइंड द सीन का। ये वैसे बड़ी काम की चीज़ है ये चूल्हा। अल्लाह अबू का भला करे जिन्होंने सानू चूल्हा लैके इतना मारा। गैस और बिजली, गैस का तो बिल कम आएगा, बिजली का तो सही आएगा। नहीं पक जाओ हूँ, तुम भी पक दी रही हो, सड़ी जा पक जाओ, तुम मसाले के सुटा खाने को इंजॉय किया करें, खाने से बातें किया करें। पिंडियों का हाल चाल पूछे कि वो तड़फने के बाद उनके क्या हालात हैं, और प्याजों से भी थोड़ी बातें कर लें जो आपकी आंखों में से इतना पानी निकालते हैं, आपको रुलाते हैं। तो वह तड़फ रहे हैं तो क्या हालात हैं इनके, की हाल है ताडा, ठीक हो तड़फे हो कि नहीं। फिर राजू ने यहाँ पे उतर रहे हैं अब कपड़े जो कि सुबह हमने डाले थे तार के ऊपर। उतार कौन रहा है? वसीम साहब। और ये कल करनी है हमने गार्डन की सफाई। आज इस गार्डन की हालत देख लें, कल भी आपको दिखाई जाएगी, फिर कहा जाएगा फर्क मालूम करें। हाँ तो ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह वेदर है। किसी ने मुझे कहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो आप हर बात पे कहती हैं, देखो ये देखो वो देखो ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पसंद जब आप ऐसे कहती हैं। तो भाई फिर अब मैं क्या करूं, मुझे तो आदत है, मुझे ना इसकी आदत पड़ गई हुई है, मैं के बगैर रह नहीं सकती। और यहाँ पे हमने बनाई भिंडी, ठीक है दिखाऊं, ये देखिए। और आज ओपन एयर में बनी है खट्टी मिठी भिंडी। तो रेसिपी आएगी आप लोगों को, मिल जाएगी इंशाल्लाह, बल्कि पहले रेसिपी मिलेगी यह वाला व्लॉग तो तुम बाद देखोगे। मैं चाहती हूँ रेसिपी दौड़ के आए आपके पास और आप छेती से भाग के इसको पकड़ लें और फिर भिंडी को चूल्हे पे चढ़ा दें। तो ये थी जी आज बच्चों के कमरों की बेडिंग, जो कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त था तो ऐसे क्या चलो कपड़े धो लिए। हाँ चादर यहाँ पे आप घर के अंदर ना डाल सकते हो। तो हमने ना ये वो हमारा गार्डन है और ये हमारा वेड़ा है। तो आज हमने हांडी रोटी की वेड़े में, अभी मैं इसके साथ बनाने लगी हूँ पराठे और फिर यहीं पर बैठ के खाएँगे मैं और वसीम इंशाल्लाह। टाइम नू छोड़ो, पर अपना ही टाइम है, दो बजने वाले। चलो मैं जल्दी से पराठे बनाऊंगा। तो चलें जी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। इन्ना ने खा रही ने पिंडियाँ, इनकी बड़ी फेवरेट है, तो बड़ी देर से मुझे कह रहे थे बनाने के लिए। तो आज जब बनाई है तो फिर पराठे बनाती हूँ, तो फिर हम इंशाल्लाह दिखाएंगे पराठों के साथ भिंडियाँ। मैं कहती हूँ चार चांद लग जाए। पराठा अपना बनाऊंगी, एक बनाऊंगी वसीम का और फिर हमने खाने हैं भिंडियों के साथ। तो बड़ी मजे की बनी है खट्टी मीठी भिंडी। चलो जी अब हम खाएंगे भिंडी विद पराठा, बिस्मिल्लाह। तो ये देखें बड़ी मजे की भिंडियां हमारी, और डाल दूं? नहीं पहले पहले इतनी ठंडी हो जाएगी। हाँ तो ये है जी वसीम की प्लेट, नजर ही नहीं आनी था उन्हें। आएगी आएगी दूसरे फूल से आएगी। और ये देखें ये मैंने बनाए थे पराठे, बिस्मिल्लाह। ये है जी हमारी भिंडी विद पराठा जो आज हमने बनाई है ओपन एयर में, खट्टी मिठी भिंडी। तो चलें जी अब मैं डालूंगी अपनी प्लेट में, माशाल्लाह बड़ी मजे की और कोई खुशबू है इनकी जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। हम सारे तंग होंगे होंगे आज, हां ना बेचारियां ना खुशबू हो जाएंगे, इधर तो रहते भी सारे वो हमारे इंडियन है और ये साथ वाले तो पक्के वेजिटेरियन है, वो कहते होंगे पता नहीं क्या पका रही हैं। पर ये पराठा मिला, तो ये देखें जी पराठा विद खट्टी मिठी भिंडी। तो रेसिपी आएगी यूट्यूब पे, माशाल्लाह जबरदस्त। वेट करना पड़ा है, सफ़र का फल मीठा था और ये सफ़र का फल बड़ा चटपटा है, और मज़ा आ गया पराठे के साथ। खुली आबो हवा में, फ्रेश हवा में, ना कल शिफ्ट दी टेंशन ना परसों शिफ्ट दी टेंशन, स्कूल स्कूल। चलें उनको बताएं कि रेसिपी ट्राई करने वाली है कि नहीं,
रेसिपी ट्राई जरूर करना ते आके दसना भी जिन्हें जिन्हें ट्राई की कि कैसा बनेगा ठीक है ना जी सही है तो मैं पराठा कवर कर ला मेरा ठंडा हो जाएगा दूसरा पराठा क्या खाने लगे हो मैडम मल्टीविटामिन वसीम की सेहत का राज है इतने हड्डी का आइसक्रीम बच्चे खा ले ये बड़ी मजे की होती है नहीं तुसी खाओ इन्नी कि मैं ते मेरी दाढ़ भी ना गिल्ली होवे ते ना ये मुझे इसलिए पता है मजे की भाई इत्थे की कड़ी मोटर चल पई किने चलाश की मोटर खड़े है मैं बंद कर दूं सर चलो ठीक है बंद कर दूं मोटर बंद कर दे इसको बंद कर दूं चले जी ओके फिर ओके ओके।